हेलो बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। रूट के अंदर 32 माइनस रूट 128 प्लस रूट 50 इज इक्वल टू क्या होगा। आपको अगर ये आता है क्वेश्चन सॉल्व करके ज़रूर लिखें, नहीं आता है तो देखिएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट 32 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम 128 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर 32 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, और ये आपका रहेगा प्लस रूट में 50। 50 को लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 2। इस तरीके से हम लिख लेंगे। तो यहाँ से ये पेयर बनेंगे, ये रहेंगे दो, टू और टू आएगा तो टू टू जो फोर आ जाएगा, फोर रूट टू बचेगा माइनस। इसी तरीके से यहाँ पर 32 से 32 का क्या हो जाएगा, फोर रूट टू, और ये टू आएगा इस फोर से टू और आएगा तो ये हो जाएगा एट रूट टू। प्लस ये फाइव से बाहर आएगा, 25 से 5 बाहर आएगा और ये बचेगा 5 रूट 2। क्या बचेगा, 5 रूट 2। ये देखिए ऐड, और ये ऐड का है तो 5 रूट 2 और 4 रूट 2 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 9 रूट 2 माइनस ये कितना है 8 रूट 2। 9 रूट 2 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 रूट 2, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 रूट 2। तो 1 मल्टीप्लाई रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 1.414। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।